तो हम देख रहे हैं सोलर कांस्टेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट डिफाइन एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फियर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। देखो क्या है, अर्थ के अर्थ में पूरा अर्थ सराउंडेड है एटमॉस्फियर गैसेस ऑफ इन्वेलप से गैसेस के इन्वेलप से, मतलब पूरा उसमें क्लोज है। तो उसमें यदि अपन सन से नॉर्मल सन से परपेंडिकुलर यदि देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है उस पर कितनी एनर्जी गिर रही है 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर पे जो कि नॉर्मल है सनलाइट से एट द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ और सन की मीन डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब हाँ। तो ये जो है ये सोलर कांस्टेंट कहलाता है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और उसकी ऐसा यूनिट है 13.53 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा कि एनर्जी है फॉलिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने को अगर याद रहेगा कि हाँ एनर्जी फॉल हो रही है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में हो रही है 1 मिनट में हो रही है, ठीक है। या तो फिर अगर अपने को डेफिनेशन याद नहीं है और अपन इसके कांस्टेंट याद कर ले तो इससे भी याद हो सकती है। फिर रही बात इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट है इसकी वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। किस फॉर्म में मैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में, अपन ने पढ़ा है कि ऐसे एनर्जी के छोटे छोटे फोटॉन्स और क्वांटा के रूप में ये सोलर रेडिएशन आती है। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेडिएंट फ्लक्स। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट ऑफ टाइम में जितनी भी एनर्जी रिसीव हो रही है या फिर उससे जितनी भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उसे अपन रेडिएंट फ्लक्स बोलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी एनर्जी आ रही है और जितनी भी एनर्जी वहाँ से ट्रांसमिट हो रही है उसे अपन रेडिएंट फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सोलर कांस्टेंट और रेडिएंट फ्लक्स दोनों में कोई दिक्कत है? सोलर कांस्टेंट से अपने को सीधे सीधे याद आ जाना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के बाहर वो सन से नॉर्मल डिस्टेंस पे जो हो रहा है वो, और किसी भी एरिया पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हो रहा है तो वो हो गया रेडिएंट फ्लक्स। अब सोलर रेडिएशन की यूनिट क्या है, वाट्स पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है और लक्स ओल्डेस्ट एसआई यूनिट डिराइव्ड यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की सबसे पुरानी जो एसआई यूनिट है जो डिराइव की गई थी वो लक्स है और वाट पर मीटर स्क्वायर अभी बोलने लगे हैं और सीजीएस यूनिट है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के फॉर्म क्या है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, इट रिसीव्ड रेडिएशन डायरेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ओके, रेडिएशन डायरेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन, सन से डायरेक्टली जो रेडिएशन आती है अर्थ पे वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कहलाती है, ठीक है। डिफ्यूज्ड रेडिएशन और स्काई रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन और स्काई नेट रेडिएशन नाम से समझ में आ रहा है कि ये डिफ्यूज़ होके आती है या तो फिर स्काई से ट्रांसमिट होके आती है, ठीक है। रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड रिच ऑन द अर्थ सरफेस। सस्पेंडेड पार्टिकल जो स्काई में प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट है उससे अगर स्कैटर्ड होके आ रही है अर्थ पे सोलर रेडिएशन तो वो कहलाएगी डिफ्यूज रेडिएशन और स्काई रेडिएशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, हाँ अब ये क्या बोल रहा है, बिफोर सनराइज एंड सनसेट, सनसेट के पहले और सनसेट के बाद में,
जो सनराइज़ के पहले और सनसेट के बाद में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिसीव करते हैं, उसको डिफ्यूज्ड और स्काई रेडिएशन बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और एल्बिडो क्या है? सोलर रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वालिटी इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सोलर रेडिएशन आ तो गई अर्थ पे, लेकिन उसकी क्वालिटी में बिना किसी चेंज के यदि वो रिफ्लेक्ट हो गई है तो वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहलाती है। ये रिमोट सेंसिंग में यूज़ की जाती है। एल्बिडो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। ये इनकमिंग से आउटगोइंग का रेशियो है, ठीक है। एल्बिडो इनकमिंग अपॉन आउटगोइंग का रेशियो है, मतलब कितनी इनकमिंग रेडिएशन है अर्थ पे अपॉन कितनी ट्रांसमिट हुई है, कितनी गई है वापस, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस इज नोन एज एल्बिडो, ठीक है। जो इंसिडेंस है उसका रिफ्लेक्टेड से रेशियो है, एल्बिडो को परसेंटेज में मापा जाता है। देखो अपन ने इसकी डिफ्यूज रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, तो इसकी SI यूनिट और सोलर वो CGS यूनिट होगी। एल्बिडो है वो रेशियो हो गया, रेशियो हमेशा परसेंटेज में आते हैं, तो ये परसेंटेज में है। ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। अपन सबसे कम देख लेते हैं। एल्बिडो फॉर वाटर इज़ रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10%। वाटर का एल्बिडो क्या है? 3 to 10%। एल्बिडो ऑफ क्रॉप सरफेस एंड सॉइल इज़ रेंजिंग 23 to 30, ठीक है। 23 से 30, 23, 30 और ये हो जाएगा 75 और 95, क्या फ्रेश? नो, देखो जितनी वो जितनी डार्क सरफेस रहेगी उतना ज़्यादा उतना कम एल्बिडो होगा। जैसे कि वाटर जो है माना अपने को बताया गया ब्लू है, लेकिन वो डार्क कलर में ही रहता है, तो उसका परसेंट जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा ना, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात रही क्रॉप, क्रॉप का अपना एवरेज हो जाएगा, लेकिन स्नो वो जो रहती है वो तो पूरा मतलब वो तो वाइट ही सरफेस रहती है ना, वाइट सरफेस पूरी रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो लगभग 75 to 90% हो गया। इधर क्रॉप्स जो हो गई वो 23 to 30% और यहाँ पर हो जाएगा 3 to 10%, ठीक है। इतना तो आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होती है। देखो पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, नाम से ही समझ आ रहा है कि फोटोसिंथेटिक में जो एक्टिव रेडिएशन है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाएगी। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ फ्रॉम 0.4, ये 400 nm, मैं ये याद करती हूँ 400 से 700 nm इजी पड़ता है ना, और द 400 to 700 nm इज़ मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। 400 से 700 जो है वो बहुत एक्टिव रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। पार और फोटोन आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, किसके द्वारा मेज़र किए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या फिर फोटॉन्स जो है वो किए जाते हैं क्वांटम सेंसर के द्वारा। इसको आइंस्टाइन और वॉट पर मीटर स्क्वायर से मेज़र करते हैं, ठीक है। पार इन डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन और ग्लोबल रेडिएशन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन में कितना है? डायरेक्ट में 0.42, डिफ्यूज में 0.65, ग्लोबल में 0.50, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है ये ना, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम तो एक्स रेज और गामा रेज है पूरा, अपन जीरो से लेके कितना 1 लाख है ना, हाँ यहाँ तक के पूरा का देख लेते हैं। एक्स रेज और गामा रेज है, चलो मैं एक्स रेज गामा रेज है, यूवी रेज है, पार है, फिर इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है। पार के बाद नियर इंफ्रारेड आई और फार इंफ्रारेड आई, तो पार तो अपने को पता है कि 400 to 700 है, इसको ये नहीं याद करते क्योंकि ये तो माइक्रोन है ना, इसमें 10^-3 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये माइक्रोन बोले तो 10^-9 ना, और ये नैनोमीटर बोले तो 10^-6, ठीक है। तो इसको याद नहीं करते, ये कर लेते हैं, अगर जैसा भी क्वेश्चन पूछा उस अकॉर्डिंग अपन टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब रही बात 400 से 700 होगी। अब 700 से ये जो है ना 740, ये अभी इसमें मॉडिफाई किया गया है, बाकी अपन 400 से 700 ही पढ़ते आते हैं। अब यहाँ पे 700 से 4000 हो गई, ठीक है। अब ये नियर इन्फ्रारेड 700 से 4000, अब फार इन्फ्रारेड 4000 से 1 लाख तक के, ये क्लियर हुआ। अब अपने को इधर देखना है कि इधर क्या है। इधर है यूवी माइक्रोवेव्स और एक्स रेज एंड गामा रेज। तो यूवी या फिर माइक्रोवेव्स जो है वो अपने को इधर पता है कि 400 to 700 है, तो इधर हो जाएगा 300 to 400। और ये जो है 0 to 300, ठीक है। एक्स रेज एंड गामा रेज रहती है, इनकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है, ये 0 to 300 हो गई। ये भी हार्मफुल रहती है, ये भी हार्मफुल रहती है। ये फोटोसिंथेटिक में यूज़ होती है। इन्फ्रारेड जो है वो थर्मल इफ़ेक्ट भी शो करती है, और ये फार इन्फ्रारेड, दोनों इन्फ्रारेड जो है वो थर्मल इफ़ेक्ट शो करेगी, और एक्सरे गामा रे और यूवी और माइक्रोवेव्स जो है वो हार्मफुल रेडिएशन है। अब सोलर रेडिएशन को कौन से इंस्ट्रूमेंट मेज़र करते हैं ये देख लेते हैं। पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्वांटम सेंसर से अपन करते हैं, अभी अपने 2 मिनट पहले पढ़ा था, ठीक है। ये देखो, अब डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन को कौन मेज़र करता है? पायरेलियोमीटर डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितनी भी टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो टोटल पायरेनोमीटर, ठीक है, पायरेनोमीटर। पायरेलियोमीटर, देखो पायरेलियोमीटर सोलर रेडिएशन तो दोनों में है, लेकिन इसे कैसे याद करें? पायरेनोमीटर, पायरेलियोमीटर डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन, और ये टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। चलो ठीक है, पूरा पायरेनो मतलब अगर टोटल जो ले रहे हैं अपन, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन ले रहे हैं। अच्छा ये देख लें, क्या ये इनकमिंग में अपना ये है एन है और यहाँ पे भी एन है, तो पायरेनोमीटर इनकमिंग, टोटल इनकमिंग हो गया, और पायर हेलियोमीटर डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। और क्वांटम सेंसर तो हो ही गया। चलो, तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, और अगर क्या और भी आने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स को भी बता देना जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। थैंक यू।